प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स रूम में, जहाँ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है जो रोजाना रात को 9 बजे होती है। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री और मैथ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास आप देख सकते हो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। लास्ट क्लास में हमने जेनर डायोड खत्म किया था, उससे पहले हमने और इससे रिलेटेड डायोड से रिलेटेड, पीएन जंक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स खत्म किए थे। आज जो हम करेंगे जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये यहाँ भी बोर्ड पर जो कहानी लिखी हुई है आप अभी इस कहानी पर ध्यान मत देना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, पहले एक बेसिक सी समझो। ये मेरे पास कोई वोल्टेज का एक सोर्स है, समझना। मान लो कोई बैटरी है, कुछ भी है, ये कैसा है, ये इसका कॉर्नर प्लस है और ये इसका कॉर्नर माइनस है। ये कैसी पावर सप्लाई देता है? अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड वोल्टेज देता है, पावर सप्लाई देता है। देखो इसका नाम क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर। अनरेगुलेटर का मतलब क्या है, यो 1 वोल्ट से 7 वोल्ट के बीच देता है वोल्टेज, यानी के रेगुलेट नहीं है यो। देखो इसे रेगुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जेनर डायोड का। यो कैसा है, अनरेगुलेटेड, यानी के कोई फिक्स नहीं है। फिक्स होता मैंने कहा 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट क्या हो गया, रेगुलेटेड। पर यो क्या है, अनरेगुलेटेड, कभी 1 वोल्ट दे देता है, कभी 5 वोल्ट, कभी 2 वोल्ट, कभी 3 वोल्ट, क्या है, 7 वोल्ट से। अब मुझे इससे यहाँ पर एक क्या जलानी है भैया, एक बल्ब एलईडी जलानी है। ठीक है, एक एलईडी जलानी है मुझे, ये भी मैंने एलईडी या एक बल्ब भी ले लो, मैंने ये बल्ब ले लिया, ये जलाना है मुझे इससे। ठीक है, ये बल्ब की जो लिमिट है वो है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट पे जल सकता है। अब क्या किया हमने, इसे इससे जोड़ दिया। अब यहां समझो एक सिंपल सी बात, जब 4 वोल्ट तक तो ये सही जलेगा, मतलब सही क्या, फूकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही यो इनस मान लो 6 वोल्ट दे दिया, तो 6 वोल्ट पर तो इसकी कहानी खराब हो जाएगी, ये रेगुलेटेड नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं भैया, इसके पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या करी, इसके पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा दी, ये जेनर डायोड लग गई रिवर्स में, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये मैंने इसके पैरेलल में क्या जोड़ दी, एक जेनर डायोड जोड़ दी। सर इससे क्या हुआ, अभी आपको पता चलेगा क्या हुआ। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने एक रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, असली फिगर जो है, असली फिगर ये बनी हुई है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कुछ कहानी बता रहा हूँ, जिससे आपको सारा जो लिखा हुआ है बोर्ड पर माइंड में शीशे की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा। देखना बड़े ध्यान से, जो मेरा जेनर डायोड था रिवर्स बायसिंग में जुड़ा हुआ, देखो पी से एन जुड़ा हुआ, ये पी होता था और ये एन होता था, तो रिवर्स बायसिंग में जेनर डायोड का ऐसे तो बनता था, और ये कितने क्या होता था भैया, यहाँ पे बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाती, ऐसा हो जाती थी करंट, ये क्या होता था, जेनर वोल्टेज। तो हम इस जेनर डायोड का जेनर वोल्टेज लगभग इतना ही लेंगे जितना इस बल्ब के लिए वोल्टेज है, तो बल्ब के लिए 4 वोल्टेज है, तो इसका भी हम जेनर वोल्टेज कितना लेंगे, 4 वोल्ट। क्यों सर, इससे क्या फायदा है, इससे अभी फायदा समझ में आ जाएगा। हमने 4 वोल्ट लिया, यानी कि यहाँ ये 4 वोल्टेज है, इस हिसाब से लेंगे हम जेनर डायोड, जितना इसका है उतना ही इसका जेनर वोल्टेज। जो सर इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा, देखो जब 4 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो मिनिमम नेगलिजिबल, लगभग नेगलिजिबल करंट फ्लो होगी, यानी कि मान लो 3 वोल्ट है, क्या है, 3 वोल्ट, यहां से 3 वोल्ट चला चला चला, तो इसमें तो नेगलिजिबल करंट गई, सुनना, इसमें तो जेनर डायोड में तो नेगलिजिबल जाएगी, 4 वोल्ट तक देखो नेगलिजिबल है, तो सारी करंट किस में जाएगी, इसमें, और ये बल्ब क्या होगा भैया, जलेगा, आपको रोशनी देगा 4 वोल्ट से कम तक। लेकिन जैसे 4 वोल्ट से ज्यादा पहुंचा, मान लो 5 वोल्ट पे पहुंच गया, कितने पे पहुंच गया, तो जेनर वोल्टेज से ज्यादा जाता, तो इसका वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो इस जेनर वोल्टेज का
यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो यहाँ, देखो यहाँ से हमने मान लो 7 वोल्ट करंट चली, तो जनरल वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, बस करंट बढ़ जाती है। तो इसमें करंट बढ़ जाएगी, ज्यादा करंट इसमें चली जाएगी, इसमें क्या जाएगी भैया, कमी करंट। क्यों, ज्यादा करंट तो खींच लेगा अपनी तरफ, लाओ मेरी तरफ दो मैं खा जाऊंगा सारी। तो ज्यादा करंट क्या करेगा, ये जेनर डायोड अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों, देखो 4 वोल्ट के बाद एकदम कैसे इंक्रीज होता है, तो 4 वोल्ट के बाद इंक्रीज होता है इसमें। लेकिन सर वोल्टेज तो कांस्टेंट है, आप कह रहे हो 5 वोल्ट हो गया या 6 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे 6 वोल्ट होना चाहिए। नहीं बेटा, ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पर जैसे 4 वोल्ट की जरूरत है और हमारा आ रहा है 6 वोल्ट, तो 2 वोल्ट को ये रोक लेगा। मान लो इसने दिया 5 वोल्ट, तो ये इस तरीके से एडजस्ट होता है, ये फिर 1 वोल्ट रोकेगा। यहाँ ये 4 वोल्ट से ज्यादा नहीं पहुंचने देगा। क्यों क्यों नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि भैया हमारी डायोड ही 4 वोल्ट रखेगी, बाकी एक्स्ट्रा को ये ले जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 वोल्ट से बढ़ेगा तो बहुत कम, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये जनरल वोल्टेज फिक्स हो जाता है। जब जनरल वोल्टेज फिक्स हो गया, तो उससे आगे वोल्टेज तो बढ़ ही नहीं सकता, बस करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगी, करंट बूम करके बढ़ती चली जाएगी। मान लो 7 वोल्ट हो गया, तो 7 वोल्ट यहाँ आया, ये वो कितना रखेगा, केवल यहाँ 4 वोल्ट रखेगा। क्या रखेगा, केवल 4 वोल्ट, बाकी 3 वोल्ट इसमें ही रह जाएगा। तो भैया इस बल्ब के लिए कितना लगेगा, 4 वोल्ट ही तो लगेगा। क्यों, क्योंकि वह जनरल डायोड पर एक जनरल वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट वोल्टेज हो जाता है। तो इस बल्ब के लिए इसने वोल्टेज को क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब यो मान लो इसने दिया 7 वोल्ट ही दे दिया, इसने 7 वोल्ट ही दे दिया, 7 वोल्ट जनरल वोल्टेज चल रहा, 7 तक तो पहुंचने का नहीं, आपको पता 4 वोल्ट से करंट बढ़ जाता है, तो 4 वोल्ट तक ही रुकेगा। बाकी वो क्या करेगा, 3 वोल्ट इस पे भेज देगा, भैया तू गर्म हो जा, तू ही रख ले, हमें नहीं चाहिए। समझे इस बात को, ये था हमारा सारा जनरल वोल्टेज का क्या एक तरीके से करने का तरीका, कि जनरल वोल्टेज किस तरीके से यूज होता है। अब आप समझ गए कि जेनर डायोड ने वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करा, रेगुलेट कर दी, यहाँ 4 वोल्ट ही रहेगा बस। ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसमें चीज रटने वाली कुछ नहीं थी, सब कुछ माइंड का खेल था। तो हम जेनर डायोड पढ़ चुके, इसे मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, कल आपकी इसकी 2 क्लास होंगी, एक क्लास डे में रिकॉर्डेड फॉर्म में अपडेट होगी और एक रात को 9 बजे लाइव होगी, ठीक, जिसमें हम सुबह वाली क्लास में आपको टनल डायोड अवेलेबल करा देंगे, और शाम वाली क्लास में हम या तो कराएंगे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड या आपकी फोटो डायोड, ठीक, एलईडी भी करा सकते हैं। डायोड कल 2 डायोड कराएंगे, परसों 2 डायोड, डायोड खत्म करके फिर हम ट्रांजिस्टर की तरफ अग्रसर होंगे। पहले आ जाओ, पहले इसे समझ लो, सारी कहानी आपको पता ही है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। यह है जेनर डायोड की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन है, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ जेनर डायोड, इसमें एक जेनर डायोड और लगी हुई होती है। देखो मैं आपको वापस से यो वाली फिगर बना के दिखाऊं, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या लगा हुआ था, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ था बच्चा, यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ था, ठीक, यही तो था। और यहाँ इस बल्ब के पैरेलल में कहाँ जा रहा है, पैरेलल में क्या जोड़ा था, जेनर डायोड आएगी पेपर में, इसका मतलब क्या जोड़ा था हमने, यहाँ पर हमने जोड़ा था जेनर डायोड पैरेलल में, यही तो करा था हमने। तो देखो क्या ये यही फिगर नहीं बना हुआ, देखो यहाँ तो हो गया इनपुट, कैसा इनपुट है, अनरेगुलेटेड, तो यहाँ पे लिख दूं अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज, अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज, ठीक। ये क्या है, जेनर डायोड, जेनर डायोड, देखो अनरेगुलेटेड था, इससे यहां पे क्या जुड़ा हुआ था, ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस हो गया। फिर चलते चलते ये दोनों, ये क्या है और ये क्या है, पैरेलल में, ये देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, ये क्या है, लोड आर एल, जिससे हम आउटपुट ले सकते हैं कुछ भी कनेक्ट करके। तो यही तो लिखा हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ जेनर डायोड, इसमें क्या होती है, जेनर डायोड होती है विद ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर एस इन सीरीज, जो ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है आर एस के साथ, देखो सीरीज में ना लगी हुई, एंड ए लोड रेजिस्टेंस आर एल इन पैरेलल। और ये जो आउटपुट है, आउटपुट है, इसे ही हम लोड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, जो किसमें है, पैरेलल में,
पैरेलल ऐसी तो होता है, सीरीज हाथ पकड़ के होता है। तो ये तो देखो आरएस तो किसमें है, सीरीज में, और लोड आरएल किसमें है बच्चा, पैरेलल में। बेसिक सी चीज थी। द अनरेगुलेटेड इनपुट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द जेनर डायोड। अनरेगुलेटेड जो है हम जेनर डायोड में भेजते हैं, वेयर एज आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, और जो आउटपुट लेते हैं वो लोड रेजिस्टेंस आरएल से ले लेते हैं। ये हमारा मेन इसका एक तरीके से कंस्ट्रक्शन थी। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बच्चा इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक से जो मैं बता चुका सब कुछ वो ही है। यानी कि जेनर डायोड क्या करता है, यहाँ पे जेनर वोल्टेज फिक्स कर देता है जो कॉन्स्टेंट हो जाता है, जिस वजह से इसका काम किस लिए यूज हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर में यूज हो गया। देखो इसकी वर्किंग, व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट से द करंट थ्रू द सर्किट राइजेज, तो जब यो बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। जो मैंने बताया था कि करंट बढ़ेगी जनरल वोल्टेज से ज्यादा जाने पे, ठीक, सर्किट राइजेज शार्पली कॉजिंग अ सफिशियंट इंक्रीज, करंट में क्या होगा एक इंक्रीज होगा इन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस। और देखो भैया मैंने क्या बताया था, 5 मान लो 5 वोल्ट से 7 वोल्ट हुआ, यहाँ कितना चाहिए था 4 वोल्ट, तो 3 वोल्ट इसमें ना रह जाऊंगा, और मान लो 5 वोल्ट था, यहाँ कितना चाहिए 4 वोल्ट, तो यहाँ 1 वोल्ट रह जाएगा। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना जाएगा, तो यही लिखा हुआ है कोजिंग अ सफिशियंट इंक्रीज इन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएल, दस द वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वोल्टेज यहाँ पे क्या रहता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक, वोल्टेज यहाँ पे चेंज नहीं होता। सेम नीचे भी यही लिखा हुआ है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो, व्हेन द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, जब कम होगा द करंट थ्रू द सर्किट गोज डाउन, तो जो सर्किट में से करंट जा रही थी वो कम हो जाएगी। देखो तो भैया जो 4 वोल्ट से कम है उस पर करंट बहुत कम होती है, तो सारी करंट किस में जाएगी, इसमें बल्ब में, ठीक, तो करंट सारी बल्ब किस में जाएगी, करंट में, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, फिर से हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट, यानी कि इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि जितना चाहिए उतना यहाँ मिल रहा है। समझे बेसिक सी बात। सर आप क्लास कई दिन से बहुत छोटी छोटी ले रहे हो। बेटा क्लास छोटी नहीं हो रही, ना ही टॉपिक छोटे हैं ये, पर हमें थोड़ा सा आपको जल्दी कराने की वजह से, क्योंकि आपको भी पता है डेट शीट आ गई है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिख ले रहा हूँ सारी चीजें, फिर बाद में तुम्हें क्या कर रहा हूँ एक्सप्लेन, ताकि तुम चीजों को इजिली सब क्या कर सको, समझ सको, अपने जहन में उतार सको। चलिए ये खत्म हो गया, कल हम टनल डायोड करेंगे, और बाकी 3 डायोड जो बचेगी कौन कौन सी, लाइट इमिटिंग डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और फोटो डायोड, इनमें से एक और करेंगे। कल हम 2 डायोड खत्म करेंगे, टनल डायोड के साथ 1 डायोड और खत्म करेंगे। टनल डायोड मॉर्निंग क्लास में मिलेगी, और आपकी दूसरी डायोड नाइट क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।